नमस्कार, मी सचिन. आपण पाहताय जनादेश वृत्तवाहिनी. पाहूया आजच्या काही ठळक घडामोडी. आरटीईच्या प्रवेश शुल्क परताव्यासाठी 7 एप्रिलला शाळा बंदची हाक. दिल्लीतल्या रामलीलावरती छेडणार शिक्षा बचाव आंदोलन. लोकसंख्या नियंत्रण कायद्यासाठी राष्ट्र निर्माणची देशभरात भारत बचाव यात्रा. चेंबूर घाटला वासियांनी केले यात्रेचे जल्लोषात स्वागत. केंद्र सरकारच्या ट्रिपल तलाक संदर्भातील मुस्लिम मॅरेज बिलला मुस्लिम महिलांचा विरोध. मुंबईत केली तीव्र निदर्शने. मराठा मंदिर BJIMSचा पदवीदान समारंभ संपन्न. माजी कुलगुरूंसह विविध मान्यवरांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान. आणि अॅट्रॉसिटी संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने पुनर्विलोकन याचिका करण्याची सामाजिक संघटनांची मागणी. केंद्र सरकारने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स ऑन मॅरेज बिल 2017 लोकसभेत मंजूर केले. मात्र या संदर्भात मुस्लिम महिला संघटना आणि तज्ज्ञांशी कोणतीही चर्चा करण्यात न आल्यानं मुस्लिम महिलांनी मोठ्या संख्येनं या बिलाला आपला विरोध केला आहे. ट्रिपल तलाकच्या संदर्भातील या बिलाला मुंबईत देखील कडाडून विरोध करण्यात आला आहे. हा एल्गर आहे राज्यातील मुस्लिम महिलांचा. केंद्र सरकारच्या विरोधात देशभरातील मुस्लिम महिलांनी एल्गार पुकारला आहे. मुंबईतील आझाद मैदानातही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि शरियत ए इस्लामीच्या विद्यमान महिलांनी केंद्र सरकारच्या ट्रिपल तलाक बंदी संदर्भातील लोकसभेत मंजूर करण्यात आलेल्या मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स ऑन मॅरेज बिल 2017 विरोध केला आहे. आपल्या धार्मिक परंपरेत सरकारने कोणताही हस्तक्षेप करू नये अशी मागणी त्यांनी केली. तीन तलाक के बारे में जो चल रहा था अभी तक, ये तो हम महिलाओं का मसला है, हमारी समस्या है और इसको हम लोग शुरू से ना लड़ते आ रहे हैं. इसके ऊपर से संघर्ष करते आ रहे हैं और अपनी लड़ाई लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे. लेकिन इसके अंदर सरकार का क्या काम है? शरीयत जो होता है ना, हमारा इस्लाम जो कहता है, जो शरीयत है, वो हमको है ना, हमारे औरत के हक में है. नहीं है, ऐसा नहीं है, वो हमारा साथ देता है. अगर हमको ऐसा लगता है कि हमको लड़ाई लड़नी है तो हम उनसे लड़ेंगे. हमारे मौलाना साहब है, हमारे पीर साहब है, काजी साहब है, हम उनसे लड़ेंगे कि देखो कुरान शरीफ में क्या लिखा है औरतों के लिए. जितनी मुस्लिम कौम की औरतें हैं ना, वो सिर्फ अपने मजहब के तौर तरीके पर ही चलती हैं. जो हमारे इस्लाम ने कहा है, हमें अपने जान से भी ज़्यादा प्यारा, हमें उसमें कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए. किसी की भी मुदाखलत हमें पसंद नहीं है. और हमारा मजहब है, जो जो हमको कहता है हम उसी पे ही चलेंगे, मरते दम तक चलेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, चाहे जान रहे या जाए, हमारा ये कहना है. केंद्र सरकार ट्रिपल तलाकचा आधार घेत मुस्लिम धर्मरूढी आणि परंपरेत हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप करण्यात येतोय. हजारो महिलांनी केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाला विरोध करत आपल्या आयुष्यात शरियत कायद्यानुसारच जगण्याला पसंती दिली. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कायद्याला कडाडून विरोध करत आपल्या धार्मिक बाबतीत हस्तक्षेप करू नये अशी चेतावणीच सरकारला देण्यात आले. मैं तो यही कहूंगी कि हम लोगों को जो शरीयत का कानून जो है वो हम लोगों ने अपने मन से नहीं बनाया है. उसमें कुरान जो हमारे बड़े उलमाओं ने और जो भी हमारे नबी इकराम लोग हैं, जो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये सब जो कुरान के अंदर शरीयत किसको बोलते हैं, जो इस्लाम में कानून बनाया गया उसको शरीयत बोलते हैं. तो ये चीज़ें कुरान में पहले से मौजूद हैं. उसमें औरतों का क्या हक है, शौहर का क्या हक है, बेटी का क्या हक है, ये सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी मौजूद है. तो हम लोगों को कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हम कोई तीसरा या चौथा या पाँचवा कानून हम लोग उसकी मदद लें. इसलिए कि हर मसले का हल कुरान में खुदा ने पहले ही दे दिया है. कैमरामैन मसूद अहमद सह प्रमिला राठोड जनादेश वृत्तवाहिनी करिता.